आइडिया किसका है? मेरा ही तो है। क्या कर रहे हो? रुको जरा, मैं बताता हूँ इसको कैसे पकड़ते हैं। ये देख, ऐसे कर। इस तरह से हाथों में से स्मेल नहीं आएगी। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? जानता हूँ कि बेवकूफी है, पर क्यों? मुझे और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द काम करके मैं यहां से निकल जाऊंगा। हमें थोड़ा और टाइम मिल गया है, मगर हम हर बार पार्टी करके बिल्डिंग को नहीं बचा पाएंगे। सही बात ये है। अब अगर वो यहाँ आए तो पार्टी नहीं होगी, झगड़ा होगा, लड़ाई। कोई लड़ाई नहीं होगी, लेकिन मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा हल है। मैं पास ही में एक और मॉल खरीदने का सोच रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो मैं आप सभी को वहां शिफ्ट कर सकता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? हमें वहां जगह दोगे? जी हाँ, आप सही समझे। उस नए मॉल में आपको जगह मिलेगी, वो भी फ्री। क्या मुफ्त में दोगे? हाँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम हम पर एहसान क्यों करोगे? क्योंकि हम सबके लिए यही सही है। जरा एक मिनट, दुनिया में सिर्फ मुसीबतें ही फ्री में मिलती हैं, उसके अलावा हर चीज की कीमत होती है। सोला ने सच बोला है लारी, मुफ्त की चीज बीमारी होती है। ऐसा नहीं है, इसमें कोई खतरा नहीं है। एक बार बस मैं बिल्डिंग को खरीद लूं, आप वहां शिफ्ट हो सकते हैं। क्या बात है, बिना कुछ किए बैठे बैठे सब मिल जाएगा, फिर तो मजा ही आ जाएगा। पर बताओगे तुम हो कौन? तुम तो यहाँ के नहीं लगते। दोस्तों, ये मेरा चेला है, इसे मैंने नौकरी पर रखा है, ये मेरे यहाँ काम करता है, अप्रेंटिस। अब शायद मिस्टर कासानो सच ही बोल रहे होंगे, मुझे तो पूरा भरोसा है। ऐसे इंसान पर भरोसा मत करो जो कुछ मुफ्त में दे रहा है। मैंने तो कर लिया। वैसे एक बात है, इन्हें हमें धोखा देकर मिलेगा क्या? हमारे पास कुछ है ही नहीं खोने को, तो डर किस बात का? कुछ भी, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है हमें क्या मालूम, भरोसा सोच। चुप हो जाओ लारी। लड़कियां तुम्हें छोड़कर चली जाती हैं क्योंकि तुम इस तरह से बकवास करते हो।